होम डिपो ये पार्सिपनी न्यू जर्सी में है ये। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब की जो देसी लोगों की यहाँ ज़्यादा है, इंडियन हमारे लोगों की भी बहुत ज़्यादा है, हमारे जो इंडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पारसीपनी में यहाँ पर है, रिहाइश इख्तियार की भी इन लोगों ने। इसके बाद पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, आगे गुल अहमद की शलवार कमीज़ भी, एक गुल अहमद का स्टोर भी है जो शलवार कमीज़ आराम से मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होम डिपो में आए मैं और मेरे बेटे के साथ, डैनियल के साथ। वॉशिंग मशीन लेना है और घर के भी डोर लेने हैं। होम डिपो में सब चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसा कि यहाँ सबको अमेरिका में रहने वालों को पता है, हार्डवेयर की और इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती है। वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है। आज सैटरडे है, कल रात को ब्लैक फ्राइडे था, देखते हैं, हो सकता है कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से भी कुछ कुछ रियायत हो यहाँ पे पड़े हुए हैं। न्यू घर में चूंकि मूव हुए हैं तो वॉशिंग मशीन तो था न्यू घर में, और हम पुराने घर में छोड़ के आए थे। ये अमेरिका का एक रिवाज है कि जब कोई मूव होता है तो चीज़ें वहाँ छोड़ के चला जाता है, फ्रिज, टीवी, सोफे, फर्नीचर वगैरह। इसकी वजह ये भी है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो बड़ी कॉस्टली पड़ती है अमेरिका में, इससे आदमी चाहता है कि भाई खरीद ले तो बेहतर है। और रिपेयरिंग भी अगर कराएं तो रिपेयरिंग के पैसे इतने होते हैं, चार्ज करता है वो आदमी के, आदमी परचेज ही कर ले तो बेहतर है। अब कल रिपेयरर को बुलाया था वॉशिंग मशीन देखने के लिए, इसने कहा कि $85 जो है अमेरिकन, वो तो मैं खाली आने के लूँगा, फिर देखूँगा कि इसमें ख़राबी क्या है, और ख़राबी के बाद और रिपेयरिंग के बाद जो उसके चार्ज अलग करेगा। तो आज इंसान जो है वो आदमी यही ले ले, 500 तक का मिल जाता है डॉलर का यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो बेटे ने कहा कि चले ले लिया जाए। अभी वॉशिंग मशीन 800 का है, 848 का है, ये देखिए $848 है। ये 793 था तो अभी 279 इस पे रेट चल रही है। और ये यहाँ का ब्रोशर भी है इनका होम डिपो का, या ब्लैक फ्राइडे का भी कुछ दिया हुआ है इसके अंदर रियायत व्यायत का, वो देखते हैं चीजें यहाँ पे। ये सब वॉशिंग मशीन रखे हुए यहाँ पे 698 का है ये, 628 जो रियायत दे रही है ये 1256 का था तो ये रियायत है, ये डिस्काउंट है ये वाले। $1296 का ये वॉशिंग मशीन है, इसमें ये 6 के करीब यानी हाफ का है देखा जाए तो। इसके अलावा और चीजें भी यहाँ डिडक्शन में आ जाएगी। सारी चीजें यहाँ मिलती हैं होम डिपो की, ऐसी चीजें माशाल्लाह के। आप ये जो है यह बता रहा है 548 का ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी परचेस करना है। इसके अलावा डोर भी लेने हैं जो नए घर में हम मूव हुए हैं, वहाँ पे दो दरवाजे इतने अच्छे नहीं हैं। अभी देखिए ये वॉशिंग मशीन की कीमतें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इस पे $100 रियायत है। 798 का दे लें, 898 का था
तो ये रियायत के बाद 7 का हो जाता है। ये वॉशिंग मशीन जो है ना 1,349 डॉलर का था, तो यहाँ पे भी 100 डॉलर की इसमें रियायत है, तो 1,249 डॉलर का है ये जो है इस तरह का। अब ये वॉशिंग मशीन में जो है 998 डॉलर का था, तो ये 698 का है, 100 डॉलर इसमें भी रियायत है। ये देखे यहाँ भी वॉशिंग मशीन मौजूद है सारे। अब इसमें ड्रायर भी देखते हैं कि साथ साथ ड्रायर भी हो, क्यों हमारा देसी तो यह सिस्टम है नहीं कि भाई बाहर जो है रस्सियां बांध के बैकयार्ड में आप कपड़े सुखाएं। ये देखिए यहाँ पे तैयार डोर जो है ना अवेलेबल है, देखिए तैयार डोर ये है, बस जाके इसको फिट कर देना ये डोर को। ये $1,664 डॉलर है, 1,289 का डॉलर का एक डोर है, और ये एक डोर जो है 1,219 का है ये वाला एक डोर वन, ये 765 डॉलर का एक डोर है, और वो वाला जो है 643 डॉलर का है। दरवाजे तैयार है मगर एक देखे यहाँ सब ये तैयार होते हैं, ये सब इस तरह यहाँ से परचेस करके फिर हम इसको लगा देते हैं वहां पे। रेडीमेड काम है सारा यहाँ पे। हमारा बेटा सामने देख रहा है चीजें, दानियल। ये क्या है दानियल? ये वो रेलिंग। रेलिंग है सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा सामान लिया है जो कि दरवाजे के लॉक वगैरह जो है वो अभी चेकआउट पे या बेटा पेमेंट कर रहा है। और बड़ी आइटम तो ट्रांसपोर्ट हार्डवेयर का सेक्शन है, और डोर्स का है, बोल्डिंग का है, पेंट का है, रूफिंग का है, और यहाँ डेकिंग का है, प्लम्बिंग का है, बाथ का है, ये सारे सेक्शन है, सेल्विंग, किचन, अप्लायसेस, सेलिंग फैन, ये सारे यहाँ पे है। ये वुड के हैं जो कटिंग कटाई मिल रही है। जी हाँ, लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिकल सामान, ये वाला टाइल का पोर्शन है सारा। लाइट्स बड़ी खूबसूरत दिखे यहाँ पे, झूमर बेहतरीन। फैन बड़े खूबसूरत फैन है, देखे यहाँ पे कितने अच्छे, जो पुराने स्टाइल में जो होते थे ना, जो ऐसे बनाए हुए इन्होंने सारे फैन का, लाइटों का, बल्ब का, और सारा ये सेक्शन वो है।
ये सब लाइटों का पोर्शन है, सारी लाइटों का पोर्शन है। देखें दुनिया भर की चीजें यहाँ अवेलेबल है, अमेरिका में जो चीज आप चाहिए जिस तरह की, क्योंकि सारा दुनिया से इम्पोर्ट होता है। वैसे तो खैर चाइना ही छाया हुआ है हर जगह पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी चाइना ही छाया हुआ है, मगर चाइना वाला यहाँ के लिए एक अच्छी क्वालिटी बनाता है। जैसा ये डॉलरों में चीजें बिकती हैं तो इसलिए इसकी क्वालिटी भी उम्दा हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाती है।